सर क्या कहेंगे, आज आल इंडिया वर्मा ग्रुप की जानिब से निवेदन दिया गया है, आपकी निवेदन में मांग क्या है और आपका संदेश क्या है? अभी जो कोल्हापुर में विशालगढ़ के अंदर मस्जिद को तोड़फोड़ करते हुए नजर आए गुंडे, उसी को लेकर ऑल इंडिया ऑल मोबोर्ड महाराष्ट्र ने डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, गृहमंत्री कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक, इनको निवेदन दिया है ऑल इंडिया ऑल मोबोर्ड की तरफ से कि दोबारा ये घटना महाराष्ट्र में ना हो। और जिस तरह से वो किया गया है, इससे महाराष्ट्र की शांतता भंग हुई हुई है। हम शिंदे सरकार से यही कहना चाहते हैं कि दोबारा ये घटना ना हो, ये इस बात का ख्याल रखे। ऑल इंडिया ऑल मोबोर्ड ने मांगनी की है कि जो विशालगढ़ में लोगों ने मस्जिद को तोड़फोड़ की, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया, इनकी सीआरडी मार्फत चौकसी हो और उनसे कड़क कार्रवाई हो। अगर कड़क कार्रवाई नहीं होती है तो ऑल इंडिया ऑल मोबोर्ड 36 जिलों में हर जिला अधिकारी के सामने धरना देगा। और यहाँ मौजूद है हमारे ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी हिंदुस्तान पेपर के नायब अंसारी साहब, महाराष्ट्र सुप्रीम बॉडी चेयरमैन और महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव शाबुद्दीन जावी सौदागर, रियाज शेख जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और इसके आगे हमारे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी साहब इस घटना के बारे में बताएंगे। सर क्या कहेंगे, आज विशालगढ़ को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक मुसलमानों का उत्सव पाया जा रहा है, आपका क्या कहेंगे? विशालगढ़ में जो भी वारदात हुई है उसकी हर इंसानियत पसंद फ़र्द जो है वो मजम्मत करेगा। नाजायज़ कब्जा जात अगर कहीं है तो उसको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है। साथ ही साथ कोई एक दिन में नाजायज़ कब्जा जात कहीं होते नहीं हैं, इतने सालों से अगर वहाँ पर ये चीज़ हो रही थी तो जो उसके ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए। हम एक एंगल से देखना छोड़ दें और जो हकीकत है, इंसाफ की बात है, वो करना चाहिए। दूसरी बात ये कि विशालगढ़ के नाजायज़ कब्जेजात को बहाना बनाकर गजापुर, जो उसके पैतरी पे 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, उस मकाम पर मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, किले पर कई जगह पर नुकसान पहुंचाए गए, दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक के मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां पर मीनार के पास झंडा लगाने की भी कोशिश की गई, और कुरान शरीफ को जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, अल्लाह की किताब है, उसको नज़र आतिश करने की, जलाने की कोशिश की गई। इन तमाम वाकियात के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश नज़र आती है जिसकी सीआईडी तहकीकात होना चाहिए। कसूरवारों के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हुकूमत इस जानिब अगर तवज्जे दे रही है कि वहाँ पर जो नाजायज़ कब्जे जात हैं उनकी बाज़ाबादकारी कहीं की जाए, तो हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों के वहाँ पर नुकसान हुए हैं उनको नुकसान भरपाई भी दी जाए, उनकी मदद भी की जाए। जिस तरह से आम तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी इस तरह के नागहानी मामलात होते हैं वहाँ हुकूमत इमदाद भी करती है, माली मदद भी देती है, तो जिनका जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, ऐसे तमाम जिन लोगों को चोटें आई हैं, मार लगी है, हॉस्पिटल गए हैं, या जो बेज़रर बिला वजह जिन पर जुल्म ढाया गया, ऐसे तमाम लोगों के साथ हुकूमत को इंसाफ करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनकी बाज़ाबादकारी करना चाहिए, और इस पूरे मामले की सीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे जो साजिश है उसको बेनकाब होना चाहिए। जो लोगों ने, सियासतदानों ने अपनी सियासी दुकान चमकाने की खातिर वहाँ पर एक मॉब को बुलाया था नाजायज़ कब्जेजात का बहाना करके उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, तो वो लोग वहाँ पर उनको जमा कैसे होने दिया गया जबकि ये पुलिस को बात मालूम थी? इतना बड़ा मॉब वहाँ पर जमा अगर हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी महकमे पुलिस की भी है, इसलिए कोल्हापुर के जो एसपी हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए। यही इंसाफ का तकाजा है जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने अपने मुतालबाती महजर के ज़रिए, मेमोरेंडम के ज़रिए यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर से किया है, और उनसे गुजारिश की है कि आप ये हमारी बात, हमारे जज्बात को
हुकूमत तक पहुंचाएं। साथ ही साथ हमारी तमाम यूनिटें जो पूरे महाराष्ट्र में हैं वो अपनी अपनी यूनिट की तरफ से भी इस तरह के महज़र तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहाँ हैं वहाँ, या जहाँ पर डिविजनल कमिश्नर है वहाँ, तहसीलदार है वहाँ, तमाम सतहों पर याददाश्तें पेश करेंगे और इसके खिलाफ जो मुसलमानों में नाराज़गी है उससे इंतज़ामिया को वाकिफ करवाएंगे। सर, एक सवाल आपसे है कि इसको लेकर, विशालगढ़ की घटना को लेकर कहने के कि राजनीति का बाजार भी गर्म है और उस पर कुछ मुस्लिम नवा लीडर भी शामिल है, तो ऐसे पसमंजर में आप क्या कहेंगे, आप क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को, राजनीति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये एक हिसास मामला है जिसको दो तरफा देखना चाहिए। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसको सिर्फ एक एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सियासत जहाँ से शुरू हुई, जिसने शुरू की, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो या उसका ताल्लुक किसी भी घराने से हो, उसके खिलाफ से पहले कार्रवाई होना चाहिए। और इसको उन्होंने उकसाया है कि वो दूसरे सियासतदान इस जानिब रागिब हों और वो अपनी दुकानों को चमकाएं, इसलिए जिम्मेदारी जिसकी बनती है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से डिविज़नल कमिश्नर को एक निवेदन दिया गया है और इस निवेदन में हमारे सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नायब अंसारी साहब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौली उस्मान साहब और मैं, प्रदेश महासचिव शहाबुद्दीन सौदागर और हमारे सेक्रेटरी रियाज सैयद रियाजुद्दीन शामिल हुए। इसके अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि कोल्हापुर विशालगढ़ में मस्जिद व मुस्लिम समाज को टारगेट करना शरद पवार और सुप्रिया सुले की राजनीति का हिस्सा है। इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया और ना मुसलमानों के नुकसान की कोई भरपाई की बात की और ना दंगाइयों पर कानूनी कार्रवाई की बात की। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी मुसलमान नेता ने इस पर कोई राजीनामा या कोई बयान नहीं दिया। राष्ट्रवादी के मुस्लिम नेताओं पर सुप्रिया सुले और शरद पवार का खौफ तारी है और ये डर भी है कि अगर मुंह खोलेंगे तो विधानसभा का इन्हें टिकट नहीं मिलेगा या नगर सेवक का इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। और हम आपको बता दें, हम मुस्लिम नेताओं को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रिया सुले और शरद पवार से जो आप टिकट की उम्मीद लगा रहे हैं, ये आपको मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये जो टिकट है कोई जन्नत का टिकट नहीं है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में शरद पवार, सुप्रिया सुले और मुस्लिम नेताओं को उनकी औकात दिखाना चाहिए मुस्लिम समाज ने, ऐसी हम आशा रखते हैं।